Hello friends, welcome to another video. The topic is gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? Gel electrophoresis, actually it's a technique that is used in a cell biology that is used to separate DNA or RNA molecule. Kiske liye use hogi? DNA या आरएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज़ होगी. और जो टेक्निक जिस टेक्निक में हम डीएनए या आरएनए को, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए पे जो चार्ज होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, और जो प्रोटीन होती है डीएनए में जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उस हिस्टोन प्रोटीन पर जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है. इसीलिए हमें ये पता चल गया कि जो डीएनए है उस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और जो प्रोटीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है. इसी तरह से डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल किस बुनियाद पे हम सेपरेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज की बुनियाद पर, शेप की बुनियाद पर और मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर. चार्ज बियरिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेपरेट होंगे इस टेक्निक में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज मॉलिक्यूल्स सेपरेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द जेल. अब क्या होगा, एक हमारे पास डिवाइस है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस. उसमें हम एग्रोज जेल रखेंगे. एग्रोज एक्चुअली शुगर है जो हमें मिलती है फ्रॉम द अलजी से मिलती है. उसमें एग्रोज जेल रखेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर लेके रखेंगे. जब हम इसे कनेक्ट करेंगे किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट करेंगे. जब कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक हिस्से पर इसकी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और दूसरे हिस्से पे इसकी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी. फिर क्या करेंगे, हम डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. यू नो वेरी वेल अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए डीएनए को क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रखेंगे. फिर क्या होगी, मूवमेंट होगी चार्ज मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट करेंगे इस जेल के अंदर, इसे हम कहेंगे माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स. अब ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं, दे माइग्रेट टूवर्ड्स द अपोजिट चार्जेस. मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डीएनए, वो पॉजिटिव की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा. इसी तरह से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्विकली मूव करते हैं देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, ये रिएक्शन 1, 2, 3 है. मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज इन अ सॉल्यूशन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लेंस इन द जेल. ये पावर सोर्स आप देख सकते हैं किस तरह से पावर सोर्स के जरिए हमने अटैच किया हुआ है. और ये चार्जेस बनी हैं, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है. और ये देख सकते हैं किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस जेल के अंदर क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. ये जो डीएनए को हम सेपरेट करेंगे, आरएनए को सेपरेट करेंगे, इस टेक्निक को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल के जरिए, इस डिवाइस के जरिए डीएनए या आरएनए क्या होंगे, सेपरेट होंगे. इसे हम कहेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कोई भी क्वेश्चन है विद रिलेटेड दिस टॉपिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.